सेंट्रल विस्टा मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें संसद के नए भवन शामिल हैं। अभी उन भवनों का काम चल रहा है, लेकिन बाकी पूरे इलाके का कायाकल्प हो चुका है, जिसे सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के नाम से जाना जाएगा। गुरुवार यानी कि कल प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। इन तस्वीरों को देखिए, इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक का पूरा इलाका। हो सकता है आपने इन्हें देखा हो, लेकिन आसमान से ली गई ये तस्वीरें आपकी नजरों में कैद हो जाएंगी। यहीं तैयार हुआ है सेंट्रल विस्टा, देश का नया संसद भवन। गुरुवार की शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंट्रल विस्टा को देश को समर्पित करेंगे। गुरुवार की शाम 7 बजे कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। सबसे पहले इंडिया गेट के पीछे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण होगा। ये प्रतिमा उस छतरी में लगाई गई है जहां कई दशक पहले तक किंग जॉर्ज पंचम की मूर्ति रहती थी। इसके बाद पीएम मोदी इंडिया गेट के पास बनाए गए स्टेप प्लाजा का निरीक्षण करेंगे। यहां पर एनडीएमसी के बच्चे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। फिर पीएम कैनल ब्रिज की तरफ जाएंगे, जहां श्रमजीवियों के साथ चर्चा होगी। इसके बाद पीएम एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे, जिसमें कर्तव्य पथ की पहले और बाद की तस्वीरें होंगी। फिर स्टेज पर शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी पीएम का स्वागत करेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में ऑडियो विजुअल प्रस्तुति होगी। 8 बजे पीएम का भाषण होगा। 8:30 बजे नेताजी बोस पर ड्रोन शो का आयोजन होगा। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए पुलिस की तरफ से चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। जनरल पब्लिक से अनुरोध किया जाता है कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करे, पार्क एंड राइड फैसिलिटी का इस्तेमाल करे। डीएमआरसी के साथ टाई अप करके इलेक्ट्रिक बसेस पार्क एंड राइड फैसिलिटी के लिए आयोजित की गई है, जो कि कल शाम से शुरू हो जाएगी। इसके 4 पिकअप पॉइंट्स है, एक राजघाट है, एक भैरव मार्ग है, एक कॉनॉट प्लेस है और एक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है। यहां से लोग अपनी गाड़ियां पार्क करके बसेज में बैठकर सी हेक्सागन तक आ सकते हैं। चलिए अब इस पूरे इलाके को ठीक से देखते हैं, इसमें हुए बदलावों को जानने की कोशिश करते हैं। विजय चौक से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर लंबा राजपथ कई सुविधाओं के साथ तैयार किया गया। इसे करीब 20 महीने बाद अब खोला जाएगा और राजपथ को कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। इंडिया गेट के पास बने पिकनिक स्पॉट सेंट्रल विस्टा एवेन्यू को आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। यहाँ पर लोग आते थे, लॉन्च में दोनों तरफ बैठते थे, यहाँ एंजॉय करते थे अपने परिवार के साथ। फिर से वो दृश्य देखने को मिल जाएंगे हमें। 8 तारीख को एक बार शाम में उद्घाटन हो जाए, उसके बाद कल्चरल प्रोग्राम का भी आयोजन है मंत्रालय की तरफ से। 9, 10, 11 तीन दिन भी कल्चरल प्रोग्राम होना है, तो अपेक्षा की जाती है बहुत सारे लोग आएंगे, जिनमें उत्साह है, जो पुराने दिन याद करना चाहते हैं। यहाँ साथ में पार्किंग अरेंजमेंट्स किए गए हैं, कुछ यूटिलिटीज़ बनाई गई है लॉन्च में दोनों तरफ, वेंडिंग एरियाज़ बनाए गए हैं जहाँ पर लोग जो छोटी छोटी चीज़ें खरीद के खाते हैं यहाँ पर, वो भी वो वेंडर्स यहाँ पर अप्रूव्ड लगेंगे। तो अपेक्षा की जाती है कि फिर से जीवंत हो जाएगा ये राजपथ। इंडिया गेट के आसपास फूड स्टॉल नए अंदाज में बनाए गए, साथ ही पार्किंग का भी कायाकल्प किया गया है। दोनों जगहों पर 24 घंटे सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। रेड ग्रेनाइट वॉकवे जो चारों ओर हरियाली के साथ है, लगभग 1.1 लाख वर्ग मीटर में फैला हुआ है। मतलब ये कि पूरे इलाके का रंग रूप एकदम बदल जाएगा। दिल्ली से श्रेया के साथ आज तक ब्यूरो।